पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस आदमी ने अपने संगीत, अपने गायकी और अपने अभिनय के जोर पर साबित कर दिया कि सुपरस्टारडम सिर्फ और सिर्फ हुनर के जरिए ही कमाया जा सकता है। नाम है इनका हिमेश रेशमिया। इस साल आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मेरे सारे गाने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जन्म 23 जुलाई सन 1973 में हुआ। इनके पिता श्री विपिन रेशमिया एक गुजराती म्यूजिक कंपोजर रहे और इनकी माँ मधु रेशमिया गुजरात के भावनगर इलाके से ये ताल्लुक रखते हैं। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने भी संगीत की दुनिया में ही अपना नाम बनाने की सोची। बतौर म्यूजिशियन भी काम किया और फिर जब बतौर म्यूजिक कंपोजर आए तो इनकी आवाज और अंदाज ने सभी को इनका आशिक बना दिया। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से आज हम लोगों ने इस फिल्म के म्यूजिक को एस्टैब्लिश किया है, लोगों को पसंद आ रहा है। झलक दिखला जा, शाकालाका बूम बूम, हुका बार, ये तमाम गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए। लेकिन बहुत ही शुरुआत में सोहेल खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में इनके संगीत ने कमाल कर दिया था। काजोल और सलमान खान के रोमांस को बखूबी उभारा था इस फिल्म में हिमेश रेशमिया के संगीत ने, जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूं इनके साथ। इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही म्यूजिकल स्टाइल्स में हिमेश रेशमिया बेजोड़ हैं। तेरे नाम हो कि प्रेम रतन धन पायो, हर बार हिमेश रेशमिया का संगीत सर चढ़ के बोला। People, how I want to know कि people इस music पे कैसे react करेगी जब audience के सामने जो आज music इतना हर clubs में गली गली में बज रहा है। जब हिमेश रेशमिया मात्र 21 बरस के थे तब इनकी शादी हो गई कोमल से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया स्वयं। और सन 2016 वो साल बनकर आया जब हिमेश रेशमिया और कोमल के तलाक की खबरें उड़ने लगी। किस लेवल पे डिमांड की वजह से किया गया है और 2018 में तलाक हो भी गया। उसके बाद हिमेश रेशमिया ने शादी करी अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से। मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस हैं। हिमेश रेशमिया के ही एक म्यूजिक वीडियो से डेब्यू किया था दीपिका पादुकोण ने। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड ये सिर्फ म्यूजिक कंपोजर या सिंगर ही नहीं, रियलिटी शोज में जज बनकर भी आए और फिर इन्होंने एक्टिंग में की आपका सुरूर, द एक्सपोजे। भले ही एक्टिंग में उतनी बात ना बनी हो पर जिस तरह से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था फिजिकली और मेंटली वो वाकई काबिले तारीफ है। स्क्रीन पे नजर आएंगे तो आपको एक कमाल का यूफोरिया दिखेगा, ये मेरा वादा है। यू कैन कोच मी ऑन दिस। यकीनन ये एक बेजोड़ कलाकार हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के। 100% मुझे पूरी उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।